जिसरे पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही तू ना आया गाजी, जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, जब रिदा सर से चीनी कह दिखा दे बेकज़ा, जब सकीना को मिले देखे कुर्ते का कफ़न, बच्ची दफनाई गई उस घड़ी ना सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी, हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू के दाच दे दे, मगर हो ना सका तेरे बाजो है जुदा, मुझ पे है तशना नबी तू ना आया गाजी, जब रिदा सर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना भाइयों ने जनाब अब्बास का जिक्र किया है,
बड़ा अरमान था सहारा की पेटियों के अब्बास को, ज्यादा वक्त आपको सहमत नहीं देनी, सिर्फ एक जुमला उसके पास यार सलाम मेरे सलाम अल्लाह पढ़ता हूँ। बताए कौन अब्बास, जब जहरा की बेटी जब मदीने से निकली करबला की तरफ, चार शेर थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, रब सज्जाद मुस्लिम अकीर और जनाब अब्बास और अली अकबर, कोई रवायत में नहीं मिलता किसी मुकाम पे किस बीबी ने किसी और भाई को पुकारा हो। जब भी रवायात में मिलता है, जब इमाम मजरूम में करबला का घोड़ा बहन के मामल के पास आता था तो पैर पर्दा उठा के कहती थी, हुसैन भैया मेरा पास आ रहा है। रवायत मिलते चार मकाम पे जनाब अब्बास नजर नहीं आए। अचानक इमाम मजलूम ने करबला का जैसे ही घोड़ा बैठ के मामल पे आया, हंसते आते बीबी ने मामल का पर्दा उठाया तो क्या कदम देखता इमाम मजलूम ने करबला ने क्या हालत है, मुतगैर नौनहा, बीबी का रंग मुतगैर हो गया। कहो बिनते सहारा मेरी जिंदगी में तेरा रंग मुतगैर क्यों है, तेरे में परेशानी क्यों है? कहो मेरा भैया हुसैन, मुझे चार मुकाम पे मेरा अब्बास नजर नहीं आया। देख मैं जितनी बीवियों को लेके आई हूँ, ये सब की चादर की जामिल मैं थी, मेरी चादर का लामिल मेरा अब्बास है। रो पड़े मजलूम में करबला, रोते रोते कहती हो मेरी बहन ज़ैनब, तू अब्बास का क्या पूछती है? जब से तेरी सवारी चली है मदीने से, अब्बास ने अपने जिम्मे एक ड्यूटी लगाई है। कहा वो क्या? कहा कई मील मगरब की तरफ अपना घोड़ा ले जाता है, कभी मशरक की तरफ ले जाता है, कभी शमाल ले जाता है, जो भी रास्ते में कोई मुसाफिर मिलता है रोक के कहते हैं मुसाफिर अपना रास्ता तब्दील कर, ओ सहरा की बेटी आई है। मैं कह दू मौला ये वो इच्छा में गरीबा थी, लेन चादर उठा के कहता अब्बास देख ओ सहरा की नियत कीजिएगा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मुकम्मल मसाइब बीबी की तरीफ भी आई है। बीबी का लकब है उम्मुल मसाइब बाबुल हवाइज है। मैं अक्सर कहा कर दू अपनी मजालस में, रसूल की बेटी पे बड़े जुल्म हुए, कोई रवायत नहीं बताती जनाब ज़हरा पे कोई ऐसी मुसीबत आए। बीबी ने रो के अपने पाप के जाने के कहा गया, पापा तेरे जाने के बाद मुझे इतनी मुसीबतें आई, अगर तीनों पे पड़ती तो स्याह तारीखें हो जाती। लेकिन बीबी को उम्मुल मसाइब का लकब नहीं मिला, ये वाहिद बीबी है जो उम्मुल मसाइब मिल गया। तर्जमा सुनोगे, मुसीबतों की माँ, अल्लाह जाने सहारा की बेटी ने कौन सी मुसीबतें देखी। करबला में देखा कहीं अली अकबर का लाशा, और कभी अब्बास के कटे हुए बाजू, और शाम अल्लाह मौला आपको सोएगा मैं हुसैन के कोई गम ना दो, बीबी के गुम्बद की तरफ नियत कीजिएगा। मैं नियत करता हूँ, दर्द करता हूँ अपनी तरफ से, अपने वालदैन की तरफ से, अपने बहन भाइयों की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, अपने खानदान की तरफ से, अपने मरहूमिन की तरफ से और अपने बीमारों की तरफ से, और खुसूसन उनकी तरफ से जिन्होंने आपको मुझे सफर पे चलते हुए कहा था कि जब भी आप ज़हरा की बेटी के दरबार की पहली ज़ियारत पे पड़िएगा, हमें अपनी ज़ियारत में याद रखिएगा। तमाम मोमिनीन को मोमिनात की तरफ से ज़ियारत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पढ़ते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السلام عليك يا بنت رسول الله।
As-salamu alayki ya bil-damir al-mu'minin As-salamu alayki ya kunta sayyid al-masliyin As-salamu alayki ya binta Fatima al-Zahra'i سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أخت الحسن الشهيد المسلوب السلام عليك يا أخت الحسن الشهيد المسلوب السلام عليك يا أخت أبو الفضل الأباس كما بني هاشم السلام عليك يا شريكة الحسين السلام عليك يا سيرة الإنسان السلام عليك يا سيرة كوفة والشام السلام عليك يا مدعي زين العابدين عليه السلام السلام عليك يا أم عون محمد السلام عليك يا أم المصائب يا زينب الكبرى السلام عليك جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته يا ليتنا كنا معكم ونقول السلام عليك يا سيادتي السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته इधर की आवाज़ ऐसे हैं पहले पीछे आप कहें करें पीछे सब करिएगा आप चाहते हैं आप अगर दोहरान की नमाज नहीं पढ़ते तो दोहरान की नमाज अदा कीजिएगा अगर कर चुके हैं तो इसके बाद दो रकात नमाज और दो रकात नमाज शहर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दो रकात नमाज हजरत के इसलिए कि यहाँ एक सैयद मुस्लिम उनको बीबी खाने और ये कहा था कि सैयद को भूल नाल सैयद ने कहा कि बीबी मैं तो हर वक्त आपके इमाम मदीने कर्बला का भाई का जिक्र करता हूँ तो बीबी ने रोक के कहा नहीं मेरे अब्बास का जिक्र नहीं करते लिहाजा ये पहले दिन का अमल है चाहे रोजाना बजा लाइएगा आखिर में दो रकात नमाज हजरत अबुल फजल अब्बास की पढ़िएगा जिस रास्ते से आप लोग आए हैं इसी रास्ते का आपका होटल है होटल का नाम है कसर पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावत सुबह का ऐलान सुनिएगा सुबह इंशाल्लाह 8 बजे आपको नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह 8 से 9 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा 9:30 बजे बस तैयार होगी अथवा हमारे शाम के हमारे मिलेगा आप नीचे आएगा और नीचे आएगा ऐसे ही अगले दिन के लिए शुभकामनाएं।